तो नमस्कार दोस्तों, साल 2007 ये वो साल था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था, क्योंकि इस साल पाकिस्तान में एक बॉम्ब अटैक हुआ था और इसका मकसद था बेनजीर भुट्टो का खात्मा। बेनजीर भुट्टो के रैली के दौरान रैली पर कई सारे बॉम्ब अटैक हुए जिनमें बेनजीर भुट्टो के साथ 140 मासूम लोग मारे गए, जिनमें बड़े बूढ़े के साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल थे। ऐसे ही हर साल पाकिस्तान में आतंकवादी हमले होने लगे। कुल मिला के अब तक मारे गए लोगों की संख्या देखे तो अभी तक 20,000 से भी ज्यादा लोग इन हमलों में मारे जा चुके हैं। पर इसके पीछे इन आतंकवादियों का क्या मकसद हो सकता है और जिस पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को पाला पोसा, आज वही आतंकवादी पाकिस्तान पर क्यों अटैक करता है? पाकिस्तान में आतंकवाद आया कहां से और इन आतंकवादियों को क्रिएट करने के पीछे क्या मकसद था, तो जानेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। तो दोस्तों, आपको तो पता है कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही कंट्रीज सुपर पावर है और दोनों ही देश अपनी बादशाह दिखाने के लिए साल 1979 में अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे। इसी के चलते अमेरिका की नजर पड़ती है पाकिस्तान पर और यही से शुरुआत होती है पाकिस्तान में आतंकवाद जैसे समस्याओं की। अमेरिका और सोवियत संघ उस समय के सुपर पावर के आपसी झगड़े में और अफगानिस्तान पर राज करने की जिद ने पाकिस्तान में आतंकवाद जैसे समस्याओं के बीज बोने का काम किया। फिर पाकिस्तान के हुक्मरान जनरल जियाउल ने कोल्ड वॉर में अमेरिका का साथ देते हुए पाकिस्तान का शहर पेशावर को सोवियत से लड़ने के लिए हवाले कर दिया। अमेरिका ने इस एरिया को CIA और पाकिस्तानी सेना ने अफगानी मुजाहिदीन के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। इसी के चलते पाकिस्तान आतंकवादियों का घर बन गया। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की इस एक गलती का खामियाजा पेशावर और पाकिस्तानी आवाम को उठाना पड़ा। फिर इस जगह से निकल के आतंकवाद पाकिस्तान के बाकी इलाके जैसे बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांत में पहुंचते चले गए। सोवियत संघ तो 1989 में अफगानिस्तान के हार के साथ पीछे हट गया और अमेरिका ने भी इन मुजाहिदीनों से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब पाकिस्तान में कई सारे आतंकवादी ग्रुप मौजूद है जिनमें से लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, तो दूसरे आतंकवादी ग्रुप जैसे पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान, जमाल-उल-अहरर ये पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ कर अपना इस्लामी कानून लागू करना चाहते हैं, इसलिए यह ग्रुप हर साल पाकिस्तान में बॉम्ब अटैक करते हैं। पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को खत्म करने के बजाय इन्हें पाला पोसा और आज यही आतंकवादी पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। आज पाकिस्तान आर्थिक संघर्ष से तो जूझ ही रहा है, ऊपर से इन आतंकवादियों ने इन पोर्गियों का जीना भी हराम कर दिया है। पाकिस्तानी आवाम भूखे प्यासी तड़प रही है, इसलिए यह आतंकवादी पाकिस्तानी आवाम को बम खिलाने पे तुले है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इन मुश्किलों से बाहर निकल पाएगा? कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।